रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में ये हेल्ड किया है कि जो ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनका भी इक्वल राइट होता है पार्टिसिपेट करने का स्पोर्ट्स इवेंट्स में, किसी भी जेंडर में, जो कि उनकी खुद की चॉइस है, अगर कोई भी सेपरेट कैटेगरी नहीं है उनके लिए। तो जब भी कोई भी कंपटीशन होता है, लाइक स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसमें कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लाइक मेन के लिए अलग कैटेगरी, वुमेन के लिए अलग कैटेगरी। सो दिस वॉज द केस जिसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सन ने जो है केस फाइल किया था हाई कोर्ट ऑफ केरला में जूडो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि उस कॉम्पिटिशन में कोई भी सेपरेट कैटेगरी नहीं थी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। सो द नेम ऑफ द जजमेंट इज अनामिका वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। सो इस केस में जो प्ली थी वो मूव की गई थी ट्रांसजेंडर पर्सन ने, जो आइडेंटिफाई करती थी वो एज ए वुमेन, जिन्होंने एज ए वुमेन कैटेगरी में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए डिजायर थी इन ए डिस्ट्रिक्ट लेवल जूडो कॉम्पिटिशन, ठीक है, और अपनी इंफॉर्मेशन जब उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई, उनको ये इन्फॉर्म किया गया था कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्पिटिशन में। सो उनका कंटेंशन ये था, पिटिशनर ने ये कहा कि उनकी जो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी है वो वुमेन की है, एंड उन्होंने जो है वो सर्जरी के अंडरगॉन की है जिसके लिए वो हार्मोन थेरेपी पे भी है फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। सो जो पिटिशनर है उनको परमिट किया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्पिटिशन में इन द कैटेगरी और वुमेन। सो दिस वॉज द कंटेंशन दैट वॉज रेज्ड बाय द पिटिशनर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। सो केरला हाई कोर्ट ने जो है बाद में डायरेक्शन दी थी, ठीक है, कि उनको जो है उनकी एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए टू पार्टिसिपेट इन द जूडो कॉम्पिटिशन। एंड मोर ओवर जो अभी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द जजमेंट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन को एज ए जेंडर आइडेंटिटी जो है कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। एंड इस केस में भी अपेक्स कोर्ट की उस जजमेंट को लेते हुए कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, ठीक है, अगर कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है तो वो अपनी चॉइस की किसी भी कैटेगरी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द जजमेंट। देर इज अ स्पेशल रिसेंट बैच दैट हैज स्टार्टेड ऑन अन अकेडमी ऑन 28th of July। दिस इज ऑफ 6 months। अगर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग इन दिस बैच। देर इज अनदर बैच दैट हैज स्टार्टेड ऑन अन अकेडमी, ये 21st को स्टार्ट हुआ है। देर इज अनदर बैच दैट हैज स्टार्टेड ऑन 6th of July, दिस इज ऑल्सो ऑफ अ ईयर, ठीक है। सो स्पेशल फीचर्स क्या है, अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हो आप लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास के पहले, आप क्लास में रेज हैंड कर सकते हो, अगर आपको एजुकेटर से कोई भी डाउट है तो आप क्लेरिफाई कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मूक इंटरव्यू वीडियोस मिलती हैं, सारे बेनिफिट्स प्लस के मिलते हैं, फोकस टेस्ट सीरीज मिलती है इसमें आपको, ठीक है। सो अगर आपको बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्लान ले लिया तो आप एक पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी एजुकेटर की किसी भी क्लास को देख सकते हो जो जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगी। एंड सब्सक्रिप्शन भी आपको 10% ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब आप हमारे चैनल का कोड जो है कैप्स लॉक में यूज करोगे वीपी लॉक, ठीक है। सो आइकॉनिक के भी सेम प्लान्स हैं, व्हेन यू यूज दिस कोड यू विल गेट 10% ऑफ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल।